हाय एवरीवन कैसे आप सब लोग uh, मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे आई होप सो तो uh, आज uh, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है एक्चुअली लाइव सेशंस भी मैंने पाँच छः दिन बाद ही स्टार्ट करी थोड़ी uh, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरा वाई फाई भी नहीं चल रहा था और थोड़े पर्सनल रीजंस भी थे इस वजह से मैं आज मैंने पाँच छः दिन बाद स्टार्ट किया और वीडियो भी आज काफ़ी टाइम के बाद आ रही है बट मेरे दिमाग में कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ है आई uh, थिंक uh, एक दो दिन में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे तो पहला जो पहले जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ दैट इज़ यू नो वाई वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी हम्बल एंड हैविंग अ डाउन टू अर्थ नेचर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग आ, आ, होते हैं हमारी सोसाइटी में या फिर आपके आ, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा आ, जो आ, या तो फिर uh, मतलब या तो वो लोग काफ़ी या तो हाँ या तो वो लोग काफ़ी अमीर होते हैं काफ़ी वेल well टू डू होते हैं और uh, जो बेचारे थोड़े बहुत uh, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते या फिर इतने वेल टू डू नहीं होते हैं uh, या फिर हम लेंगे uh, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं जिनके पास बहुत डिग्रीज़ होती है या फिर काफ़ी अच्छे अच्छे uh, इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूट से पढ़ पढ़ रखा होता है या फिर कोई भी कोई को, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा या फिर किसी के माँ बाप बहुत अमीर होते हैं यू नो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यू पीपल कुछ लोग होते हैं ऐसे आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा उनको बहुत ये घमंड होता है एरोगेंस होता है कि यार हम तो बहुत अमीर ख़ानदान को बिलोंग करते हैं या फिर हम तो हम तो बहुत हमने बहुत तालीम हासिल की हम बहुत एजुकेटेड है वेल well एजुकेटेड है हाईली एजुकेटेड है और जो बेचारे दूसरे लोग लोग हैं जो इतने ज़्यादा यू नो जिनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्स नहीं है मिडिल क्लास फ़ैमिली से बिलोंग करते हैं उनको नीची नज़र से देखते हैं उनको उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो गरीब है इनसे हम बात भी क्यों करें इनके आ, या फिर आ, या फिर इनके साथ हम आ, इनके साथ हम क्यों उठे बैठे ऐसा भी होता है ना बहुत बार मैंने मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया है तो मुझे ऐसा लगता है आप सोचिए कि उन लोगों की मैंटालिटी कैसी है कैसे कैसे लोग हैं वो लोग जिनके जिनके अंदर कंपैशन नहीं हो जिनके अंदर रहमदिली ना हो या फिर जैसे आ, मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ रिसेंटली मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे आ, कोई आ, आ, एक छोटा बच्चा था उसके पास चप्पल भी नहीं थी उसके पास एंड देन मैंने उसको बोला कि आ, मुझे लगा कि मैं इसके लिए मैं ऐसे एग्जैजरेट नहीं कर रही हूं बट मुझे लगा कि मैं इसके लिए चप्पल ले लेती हूँ एंड देन सडनली एक देर वॉज सम लेडी और वो मुझे बोल रही है कि आपको uh, आप, आप क्यों इनकी इनकी हेल्प कर रही हो आप आप कुछ आप कुछ और लोगों की हेल्प करो तो मुझे समझ नहीं आया मुझे लगा कि यार एक तो वो भी तो डाउन है उसके वो तो बेचारा बच्चा है इसमें इसमें और लोग या अच्छे लोग क्या मतलब सब लोग हमारी कम्युनिटी में से ही तो है सब लोग इंसान हैं कम्युनिटी छोड़ो या फिर सेक्स छोड़ो कुछ भी छोड़ो सब लोग इन पहले एक ह्यूमन बीइंग है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी अपने आप को ऐसा समझता है कि आ, वो बहुत रिच है या फिर वो हाईली क्वालिफाइड है तो उनको ये समझना चाहिए कि उनको अल्लाह ताला ने या फिर जिसमें भी आप मानते हैं वो एक नो दे हैव बीन बेस्टोड विद दैट थिंग तो उनको उस चीज़ को एक अच्छी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए दे शुड हेल्प अदर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ़ मेकिंग अदर्स फील इन्फीरियर उनको ऐसा नीचा दिखाने से बेटर है कि उनको उनको उनकी हेल्प की जाए उनके साथ उनके साथ रहम दिली से पेश आ, आया जाए उनको इज्जत दी दी जाए और हम क्या करते हम हम ऐसे हम बोलते हैं कि यार ये तो ये तो निचले दर्जे के लोग हैं या फिर ये तो अमीर नहीं है हम क्यों इनके साथ उठे बैठे हमारी भी बेज़ती होगी कितनी गलत बात है ये कितनी अफसोसदायक बात है मुझे तो समझ नहीं आता ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में इसलिए बस मेरी एडवाइस यही है कि यार अगर आप रिच हो बेल्ट टू डू फैमिली से हो अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं है बट दूसरों को नीचा मत समझिए जो गरीब है एक एक टाइम पे क्या पता वक्त कभी भी बदल सकता है आ, आप अगर उस आप भी उस सिचुएशन में आ सकते हो खुदा ना करे तो इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत अपने आप में भी आप अपने गरीबा भी जान करके देखिए कि अगर आप सोचते हैं कि कोई इंसान या तो वो वेल well एजुकेटेड नहीं है या फिर वो हाई आपसे नीचे दर्जे का का है तो आप उसके साथ बदतमीज़ी करते हो या फिर उसको बहुत नीचा फील करवाते हो तो आप इस बारे में सोचिए कि आप कल को जब आखिरत में आप होंगे या फिर जब भी जो भी आप आप मानते हैं नहीं मानते हैं तो आपको किसी के सामने जवाब तो देना है या फिर आपका जो खुद का कॉन्शियस होता है आप आपको मुझे नहीं लगता किसी का भी कॉन्शियस जो होता है वो उसको ये इजाज़त देगा कि वो इस तरीके से दूसरे इंसान को ट्रीट करे और तब भी कुछ लोग इतना ज़्यादा उनको कोई परवाह नहीं पड़ती उनको कोई भी परवाह नहीं है कि दूसरे इंसान को कैसा फ़ील हो रहा है क्या हो रहा है वो वो जो उनके अंदर एक गिल्ट होता है एक कॉन्शियसनेस होती है वो भी मर चुकी होती है क्योंकि वो आप रिपीटली ये सब चीज़ें करते हैं तो इसलिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप रिच है अगर आप हाईली क्वालिफाइड है या कुछ भी है तो आप उस चीज़ को अच्छे रिसोर्स में यूज़ करिए दूसरों की हेल्प कीजिए जो आपसे छोटे हैं जो जिनके पास पैसे नहीं है या फिर जो आ, जो थोड़े बहुत मिडिल क्लास है या उससे भी लो लेवल पे है जिनके पास पैसे नहीं उनकी हेल्प अब सिर्फ पैसे से ही हेल्प नहीं की जा सकती एटलीस्ट उनका सुनिए अगर उनकी 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 आप रिस्पेक्ट कीजिए उनके साथ उनक, उनको रिकॉन् रिकॉन्साइल या फिर सिंपत्ति देने की कोशिश करिए इरेस्पेक्ट ऑफ ये बोलना कि यार ये तो ऐसे लोग हैं हम लोग क्यों इनके इनके Uh, इनके साथ रहे या फिर इनके साथ क्यों हम उठे बैठे हम लोग भी फिर uh, वो हो जाएंगे इसी तरीके से तो ये uh, प्लीज आपने हाँ ये बात है कि आपको एक अच्छी कंपनी रखनी चाहिए इसका ये मतलब नहीं है कि कोई गरीब है या या फिर कोई uh, कोई थोड़ा सा भी वेल टू डू फैमिली से नहीं बिलोंग करता तो हम उसको एक डिफरेंट तरीके से उसको फील कराएं उसको ये दिखाए कि हम तो यार पता नहीं कौन है और तुम ऐसे गरीब हो या कुछ भी हो या फिर आप क्वालिफाइड नहीं हो या फिर कुछ भी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप ट्रू इन द ट्रू सेंस अगर आप एजुकेटेड हो तो आप सीखेंगे कि आप हम्बल हो जाए आप दूसरों खुद से बेहतर आप दूसरों को ही समझेंगे खुद को भी समझना है खुद को भी किसी से कम नहीं समझना है बट ये नहीं कि फिर हम एरोगेंस में आ जाए हमें लगे कि यार पता नहीं हमने तो इतनी डिग्रीज कर लिया हमने तो वो कर लिया हमने ये कर लिया है बस अब और कुछ नहीं है और बाकी सब तो बाकी सब Uh, क्या बोलते हैं इसको बाकी सब uh, कुछ भी नहीं जानते और हम सब कुछ जानते हैं ठीक है ना तो इसलिए अगर आपके पास पैसे हैं तो उस चीज़ को हमें आपको यूज़ करना चाहिए दूसरों की हेल्प करने में दूसरों की रिस्पेक्ट करने में और जितना हो सके उतना हम्बल रहे और मुझे ऐसा लगता है कि हम्बल जब हम रहते हैं या फिर हमारा जब डाउन टू अर्थ नेचर होता है तो लोग हमारी हेल्प करते हैं और जब हम किसी को एरोगेंस हम दिखाते हैं कि हम हम एरोगेंट है या फिर कुछ है तो लोग ऑब्वियसली हमसे दूर ही दूर दे वॉक अवे फ्रॉम अस क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे नहीं ऐसा लगता कि घमंडी इंसान से कोई भी रिश्ता रखना चाहता है या कोई भी कनेक्शन रखना चाहता है ड्यू टू हिज और हर यू नो एरोगेंस बींग हॉट हेडेड एंड हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ एरोगेंट नेचर तो अगर आपका ऐसा नेचर है आप उसको बदलिए और बदल सकते कोई भी ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ तो नहीं है आप इस चीज़ को बदल सकते हैं और आप आप पाएंगे कि आप में कितना ज़्यादा पीस आएगा और आप आ, आ, इवेंचुअली uh, खुशी uh, आएगी आप में जो हम खुशी बाहर ढूंढते हैं वो आपके अंदर ही होगी तो बस ये छोटी सी बात थी जो मैं शेयर करना चाहती थी काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में थी तो मुझे लगा मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए सो uh, थैंक यू सो मच और मुझे ऐसा लगता है कि आई uh, मैं ग्रेटफुल हूँ या फिर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी हम्बल है हम uh, मैं मुझसे अगर जितना भी हो सकता है मैं दूसरे की हेल्प करना चाहती हूँ चाहे फिर uh, या मेरी भी क्योंकि uh, मैं भी uh, मैं मुझे कभी भी uh, जब मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं बेझिझक हेल्प मांग लेती हूँ तो उससे मुझे बहुत सारे लोग हेल्प भी करते हैं किसी भी चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो या फिर मुझे किसी से बात करनी हो तो अब अगर मैं ही दिखाऊँगी कि मैं पता नहीं कौन हूँ तो फिर ऑब्वियसली कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा राइट सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस मैसेज को आप थोड़ा सा uh, आप इस पर ध्यान देंगे और uh, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक द वीडियो एंड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर